अब तक हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड ही कह रहा है यूनिफॉर्म, जैसे हमारे स्कूल में होती है यूनिफॉर्म, मतलब कि एक सा, सब कुछ सेम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अलग अलग। तो ऐसा मोशन जो क्या हो, एक सा हो, सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसको हम डिफाइन करें तो इफ़ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर फिक्स टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस कवर करता है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। देखते हैं, हम मानते हैं ये हमारा टाइम है, ये उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और ये टाइम इंटरवल है, और ये कोई डिस्टेंस है। माना कि पहले सेकंड में एक सेकंड बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ओ से चलना चालू करता है, एक सेकंड पर वो कहाँ पहुँच जाता है, 5 मीटर पर पहुँच जाता है। यहाँ से 2 सेकंड पर वो 10 मीटर पहुँचता है, 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 15 मीटर होती है, 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 20 मीटर होती है, और 5 सेकंड बाद उसकी जो पोजीशन है वो कितनी, 25 मीटर है। तो मतलब कि यहाँ ड्यूरेशन देखें तो पहला सेकंड, मतलब इन दोनों के इनके बीच सेकंड कितना है, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। अब फिर अगला सेकंड, मतलब अगले 1 सेकंड में कितना चला, वो फिर से 5 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, वो फिर से 5 मीटर। फिर अगले सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, और 5 मीटर। मतलब कि इक्वल इंटरवल, इंटरवल कितना है सबका, 1-1 सेकंड, 1-1 सेकंड वो कितना चल रहा है, 5-5 मीटर। मतलब इक्वल इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऑब्जेक्ट कैसा कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की कुछ शर्तें भी हैं, क्या कि टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। मतलब ऐसा नहीं कि टाइम इंटरवल आप 2 घंटे ले रहे हैं, तो हो सकता है वो कहीं रुक गया हो या कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल क्या लेना है, बहुत ही स्मॉल। एंड दूसरा, ऑब्जेक्ट शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, वन डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसे सर्कल में तो होगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे हम उसे। तो हमारा फिर से देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखते हैं फिर से, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में पहुंचा 12 मीटर, 3 सेकंड बाद पहुंचा 16 मीटर, 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 24 मीटर, और 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 25 मीटर। अब ड्यूरेशन देखें तो ड्यूरेशन सब कितनी होगी, कितने कितने सेकंड बाद हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1-1 सेकंड बाद, तो टाइम टेबल क्या हुआ, 1-1-1। अब पहले 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। अब अगले 1 सेकंड में कितना चला, 12 में 5 का कितना बचा, 7 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना चला, 16-12=4। अगले में 8 और अगले में 1, तो टोटल तो उसने भी देखो 5 सेकंड में 25 मीटर किया, और इधर भी 5 सेकंड में 25 मीटर किया। बट यहाँ हर 1 सेकंड में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में उसके द्वारा कवर डिस्टेंस का इक्वल है नहीं, पहले 5 थी, फिर 7 थी, फिर 4, सब अलग अलग हैं। जबकि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ था इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे। तो अब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखनी है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी कॉन्स्टेंट होती है। एक की पॉइंट और क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट।